अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग एक और सफर पे निकल रहे हैं, चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आपको बेहतरीन जगहों पे लेकर चलें। देखिए आपके पीछे ये सेल्फ चेक इन के काउंटर लगे हुए हैं, और अगर आपने सेल्फ चेक इन नहीं किया तो इधर हमने सेल्फ चेक इन किया है, लेकिन हमने बैग देना है यहाँ पे, और उसको मैंने बुक नहीं किया था, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। बट दिस इज टर्मिनल 1 ऑन टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। नहीं जी, बारी आने वाली है हमारी, काउंटर पे हम पहुंच गए हैं, चेक इन हो गया, और इस जगह पे आप देख रहे हैं मेरा बैग जो है 22.6, यहाँ पे 23 अलाउड है, सो वी आर राइट अंडर आवर लिमिट। और इसके अलावा ऑलवेज टाइम पे आया करें, आई नो पीपल आर रशिंग एट द वेरी एंड, दे आर रनिंग एंड इट्स हार्ड टू कैच फ्लाइट्स लाइक दैट, इट एड्स अप टू एंग्जाइटी। सो अगर आप टाइम पे आएँ तो यू कैन डू थिंग्स विदाउट एनी एंग्जाइटी, एंड टाइमली आप अंदर जाके और फ्लाइट के लिए सेटल हो सकते हैं लाउंज में। गेट्स की तरफ चलते हैं, चेक इन करते हैं। बोर्डिंग पास मिल गया हमें, हमने ऑलरेडी चेक इन किया हुआ था एक्चुअली, हमारे पास डिजिटल बोर्डिंग पास हैं ऑलरेडी, बट दे स्टिल प्रिंटेड इट फॉर अस। टोरंटो एयरपोर्ट जाना ये बहुत बड़ा है, और यहाँ पे जो गेट्स हैं ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी वॉक करनी पड़ती है। अब हम पिछले 10 मिनट से वॉक कर रहे हैं, अभी तो हमारा गेट नहीं आया, अभी देखते हैं। सो वी हैव टू गेट टू E77, सो दैट्स आवर गेट। हमने जी यहाँ से ये ट्रॉली पे लिफ्ट ले ली है टू गेट टू आवर लाउंज, क्योंकि हमने बहुत चलना है अभी आगे, सो वी जस्ट टेकिंग अ ब्रेक हियर। हम लोग ट्राई करते हैं अगर हमें ये लाउंज में जगह मिल जाती है, सो यू कैन हैव अ क्रेडिट कार्ड जो कि एरोप्लेन हो या ट्रैवल क्रेडिट कार्ड हो, देन यू कैन क्वालिफाई फॉर दिस थिंग, सो लेट्स सी। चैलेंज ये जनाब, यहाँ पे काली दीवारें, आई डोंट नो ये किस चीज़ को डिपेक्ट कर रही हैं। आजकल जितने भी वेटिंग एरियाज हैं वो मेजॉरिटी इस तरह से है, कोई भी आप चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड देन यू कैन सिट डाउन एंड एंजॉय अंटिल आपकी फ़्लाइट का टाइम हो जाए। हम लोग अपनी चीज़ें अब सही कर लेते हैं, क्योंकि जब अंदर आते हैं तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें, अपने फ़ोन कहीं रखा और आपने अपने क्रेडिट कार्ड्स कहीं रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आराम से बैठ के ठीक करते हैं, और फिर देखते हैं थोड़ा ड्यूटी फ्री शॉप्स देखेंगे जाके, अभी हमारी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम है। हमने जी पानी भर लिया है, चीज़ें हमने ठीक कर ली हैं, अब ये करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए जगह ढूंढते हैं। रश लगा हुआ है सारे गेट्स पे, ये 77 हमारा गेट है जब हम वापस आएंगे, लेकिन ये उससे पहले कोई फ्लाइट्स जा रही हैं जिसका रश है यहाँ पे, सो लेट्स गो चेक आउट सम फूड स्टॉल्स, देखते हैं यहाँ पे क्या है, मे बी हलाल मिल जाए हमें कोई, तो हम फिर हलाल लेते हैं यहाँ से। हाँ जी बेगम साहब, क्या लेकर आए हैं? कोई हलाल ऑप्शन तो थी नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सुशी है जो एक ऑप्शन थी हमारे पास, तो हम लोगों ने सुशी ले लिया है, साथ में आइस कैप लिया। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग ये थोड़ा सा स्नैक लेते हैं, सुशी हो गई है ख़त्म, बट इट वाज नॉट गुड एट ऑल। यूजुअली हम क्या करते हैं जब एयरपोर्ट आते हैं, तो या हमने चूज़ किया होता है हमने क्या लेना है, या हम कोई ना कोई स्नैक या कोई शवरमा सैंडविच बाहर से लेके आते हैं, बिकॉज़ यूजली जो एयरपोर्ट की फ़ूड है ना वो किसी काम की नहीं होती है, एंड आज भी यही हुआ है, हम लेके नहीं आए थे, और ये फूड वाज रियली नॉट गुड एट ऑल, इट वाज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी,
जो आइस कैप है स्टिल इट्स बेटर देन एनीथिंग बट इट्स ऑल राइट. आपको जब सफ़र करें एडजस्ट करना पड़ता है इन चीज़ों के साथ साथ. ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी की हो रही हो, आपको फूड आपकी मर्ज़ी की मिल रही हो, आपका सफ़र आपकी मर्ज़ी से हो रहा हो, बट आपको एडजस्ट करके और उन्हीं हालात में आपको ढूंढना होता है कि आप किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग. नाउ वी आर हैप्पी टू बी ट्रैवलिंग अगेन. आपको पहुँच के बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं. But this is going to be an awesome trip. We'll go to a number of places and we'll enjoy a lot and we'll take you along with us. पहले हमें ये जगह नहीं मिली थी, ये कंफर्टेबल चेयर्स हैं ये वाली, और ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा क्रिकेट देखते हैं. यहाँ पे हमें आधा पौना घंटा लगेगा, यहाँ क्रिकेट देखते हैं, इंजॉय करते हैं और थोड़ी कॉफ़ी पीते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि आप ट्रैवल करें ना तो किसी किस्म के जो ब्लूटूथ हेडफोन्स होते हैं वो रखें, क्योंकि ये एरोप्लेन में भी अब लग जाते हैं, उसकी भी तार मिल जाती है. और अगर आप यहाँ पे भी कुछ सुन रहे हैं या आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो यू नो यू कैन ईजीली यूज़ दिस वन. बड़े लंबे वेट के बाद अभी भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है पीछे, हमारी टर्न आ गई अंदर जाने के लिए. ये जहाज है हमारा कनाडा का, बाहर नजर आ रहा है. वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, वो सामने जो जगह है. This is our seat all the way to the back. रात का व्यू है इस वक्त, रात के 12 बज रहे हैं, 11:30-12. ये टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट है. सबसे पीछे सीट मिलने का फ़ायदा ये है कि ये पीछे आके दो हो जाती हैं टेल पे, तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई अपना लैपटॉप बैग रखने के लिए, विच इज़ गुड. हमारा सफ़र खासा लंबा है, कुछ देर हम आराम करेंगे और कुछ देर हम इंजॉय करेंगे. टोरंटो से मोस्टली जो क्रॉस अटलांटिक फ़्लाइट्स हैं ये रात को चलती हैं और सुबह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं. हम लोग आपको मिलेंगे अब तकरीबन 8-8.5 घंटे के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे और आपको सैर कराना शुरू करेंगे. इन द मीन टाइम अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, अपनी हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें. देखने का बहुत शुक्रिया. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.